हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विच इज़ द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन होम्योपैथी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कॉजेस होते हैं डैंड्रफ फॉर्मेशन के, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़ायदे होते हैं शैम्पू के सर के बालों को अप्लाई करने के बाद, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो बहुत ही यूज़फुल है डैंड्रफ के लिए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सद्दाम आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथी फॉर एवरीवन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि क्या कॉजेस होते हैं डैंड्रफ फॉर्मेशन के, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम इसी तरह से बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम वेरियस होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, वेरियस डिसीज़ को होम्योपैथिक मैनेजमेंट बता रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हम लाइव क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वेरियस यूज़फुल वीडियोस मिलते रहे और आप मेरे लाइव क्लिनिक में बने रहे। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जो सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है डैंड्रफ। दोस्तों, हम देखते हैं कि डैंड्रफ इज़ नथिंग बट दी स्केली स्किन ऑफ दी स्कैल्प, जो स्कैल्प होता है तो उसकी जो है तो ये डेड स्किन होती है जिसके कारण जो है तो डैंड्रफ फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेस होते हैं डैंड्रफ फॉर्मेशन के लिए। स्पेशली डैंड्रफ फॉर्मेशन जो है तो प्यूबर्टियल एज पे होता है। प्यूबर्टियल एज मतलब 10 से नियर अबाउट 11 से तो 15 16 तक जो एज होता है उसको हम प्यूबर्टियल एज या एडोलेसेंस एज कहते हैं। इस एज में जो है तो मैक्सिमम टाइम जो है तो डैंड्रफ फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अगर हम देखेंगे कि और क्या कॉजेस होते हैं डैंड्रफ फॉर्मेशन के, तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये जो है तो एक एग्जामा जिसको हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, इस कंडीशन में भी जो है तो डैंड्रफ फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम जैसे स्किन डिसीज कंडीशन जैसे कि एग्जेमा है, सोरियासिस है, या कोई फंगल इन्फेक्शन है स्किन का, उसके कारण भी जो है तो डैंड्रफ फॉर्मेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन कॉजेस मैंने आपको बताया डैंड्रफ के लिए फॉर्मेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है होम्योपैथी में जो बहुत ही यूज़फुल है डैंड्रफ के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम शैम्पू अप्लाई करें तो क्या फ़ायदे होते हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं शैम्पू के सर के बालों को अप्लाई करने से, तो वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे ही हम शैम्पू अगर अप्लाई करते हैं बालों पे, तो उसका फ़ायदा या बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो सर के बाल है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, और मॉइस्चराइज होने के कारण जो है तो वो एक अच्छे उसके अंदर ग्रोथ होती है। उसके बाद जो है तो हम देखते हैं कि शैम्पू इस्तेमाल करने से हमारे सर का जो अगर कोई डस्ट है या हम देखेंगे कोई फंगल इन्फेक्शन है, वो फंगल इन्फेक्शन या डस्ट के भी जो है तो कम हो जाती है। और हम देखते हैं कि शैम्पू के इस्तेमाल के कारण जो है तो स्कैल्प सर्कुलेशन जो है तो वो रेगुलर होता है। और हम देखेंगे कि अगर स्कैल्प सर्कुलेशन रेगुलर हुआ तो जो हेयर फॉलिकल है मतलब रूट है जो हेयर का, उसको जो है तो अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा, और जिसके कारण जो है तो हमारे हेयर ग्रोथ अच्छे से होगी और हमारा हेयर फॉल 100% स्टॉप होगा। और हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स है जैसे कि स्किन डिसीज़ या प्यूबर्टी में जो है तो हार्मोन लेवल जो है तो इम्बैलेंस होते हैं जिसके कारण भी जो है तो डैंड्रफ होता है। तो डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए या जो स्किन अगर ड्राई हो गए तो डैंड्रफ फॉर्मेशन होता है, लेकिन शैम्पू के कारण जो है तो स्कैल्प की स्किन जो है तो ड्राई होने से बच जाती है, और मॉइस्चराइज होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है तो डैंड्रफ कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि क्या बेनिफिट्स होते हैं शैम्पू के सर के बालों को अप्लाई करने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, उस शैम्पू का नाम है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये वो शैम्पू है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका नाम है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो बहुत ही यूज़फुल है डैंड्रफ कंट्रोल के लिए या डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। उस शैम्पू का नाम है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो शैम्पू है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये शैम्पू जो है तो बहुत ही यूज़फुल है डैंड्रफ को रोकने के लिए, क्योंकि मैंने जो कॉजेस आपको बताए कि जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के कारण जो है तो डैंड्रफ होता है, इसी के साथ हम देखते हैं कि
कोई एक्जेमा है या सोरियासिस है इसके कारण भी जो है तो डैंड्रफ हो सकता है, या प्यूबर्टियल एज है या हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण जो है तो डर्मेटाइटिस हो चुका है या डैंड्रफ हो चुका है, तो इस कारण इस कॉजेस पे जो है तो ये शैम्पू बहुत ही यूज़फुल है। इस शैम्पू पर लिखा हुआ भी है कि ये जो है तो शैम्पू स्पेशली प्रिपेयर किया गया है शॉबे कंपनी से डैंड्रफ के लिए, जिसके अंदर जो है तो कॉजेस अगर सेबोरिक डर्मेटिटिस है या फंगल इन्फेक्शन है या कोई स्किन डिसीज के कारण अगर डैंड्रफ हुआ है तो इसके लिए यूज़फुल है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शैम्पू को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको इस शैम्पू को इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह है कि आपको एट द टाइम ऑफ बाथ ये शैम्पू को जो है तो सर में डाल कुछ लेना है, जैसे आप कॉमनली हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं उस तरह से आपको इस शैम्पू को लेना है। इस शैम्पू को आपको जो है तो फिंगर से अच्छे से रब करना है, आपके जितना भी स्कैल्प एरिया है जितना भी हेयरी एरिया है स्कैल्प का उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद वहाँ पर फोम फॉर्मेशन होगा जैसे कि नॉर्मल शैम्पूस के कारण होता है, अब देखेंगे हम फोम फॉर्मेशन हो चुका है। अब फोम फॉर्मेशन होने के बाद आपको एक 5 मिनट तक रुकना है ताकि जो है तो वो फोम की या वो शैम्पू की एक्शन जो है तो आपके स्कैल्प पर हो जाए, इसलिए आपको 5 मिनट रुकना है। तो दोस्तों उसके बाद अब 5 मिनट वेट के बाद आप जो है तो आपका जो है तो हेड जो है तो आप वाटर से साफ कर सकते हैं या आप बाद में बात ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इस शैम्पू को जो है तो आप 3 मंथ तक कंटिन्यू रेगुलर यूज़ कीजिए, आप देखेंगे कि 101% आपका डैंड्रफ जो है तो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको इसी तरह से जो होम्योपैथी के अंदर अच्छे प्रोडक्ट है या होम्योपैथी के जो डिसीज़ है बहुत सारे उस पर क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट है, इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और मैं कुछ दिनों में लाइव क्लिनिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके कारण जो है तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझसे बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।